ओम गण गणपते नमः। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट पंडित भवानी शंकर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ साप्ताहिक राशिफल को लेके, जिसमें हम मेष से लेके मीन राशि के जो साप्ताहिक राशि है, राशिफल है, उसके विषय में जानेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल जो YouTube चैनल है एस्ट्रो पंडित जी को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं। तो मित्रों, शुरुआत करता हूं मैं आज की प्रथम राशि जो कि है मेष राशि। मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल यह सप्ताह कुछ हद तक बेहतर सिद्ध होगा। इस दौरान विनम्रता से कोई काम बनेंगे, साथ ही कुछ मांगलिक कार्य भी होंगे। विशिष्ट गुण आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, जिससे सामाजिक कार्य करने से लोकप्रियता बढ़ेगी। इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही से बचें, नहीं तो परेशानी में आप फंस सकते हैं। अच्छे खासे खर्चे के बावजूद आपकी जेब में काफी कुछ बच सकता है। किसी परिजन की सेहत में नरमी देखने को मिल सकती है। सप्ताह के आखिर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मित्रों की वजह से कुछ परेशानियां सामने आ सकती है। आर्थिक दृष्टि से समय सामान्य रहेगा। शुभ अंक आपके लिए क्या है वो 1 और 9 है। शुभ रंग केसरिया है। उपाय क्या करना है आपको, हनुमान जी की पूजा करें। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, वृषभ राशि। यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में विरोधियों पर आप भारी रहेंगे। कोई जरूरी वस्तु खो सकती है। जीवन साथी के कारण किसी उलझन में पड़ सकते हैं। किसी रिश्ते में सुधार के बीच उचित होगा कि इस समय आर्थिक जोखिम ना ले। आपको कोई खबर विचलित कर सकती है, वहीं किसी अपने के कारण आपको ठेस लग सकती है। सप्ताह के मध्य से परिस्थितियों में बदलाव के चलते स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन से मन राहत महसूस करेगा। अल्पकालिक निवेश से दूर रहना उचित होगा। अनियमित दिनचर्या से बचें। सप्ताह के अंतिम दिनों में थोड़े परेशान रह सकते हैं। उचित होगा धैर्य रखें, कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। शुभ अंक आपके लिए जो शुभ रंग है वो है गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए वो है 6 और 7। उपाय क्या करने हैं मित्रों, देवी माँ दुर्गा की आप पूजा करें, अवश्य लाभ होगा। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। इसका जो साप्ताहिक राशिफल है, यह सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए काफी खास रहने की संभावना है। इस दौरान जहां पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, वहीं घर में मांगलिक कार्य के भी योग बनते दिख रहे हैं। व्यवसाय में गजब के उछाल के बीच शुभ फल आपको जोरदार लाभ प्रदान करेंगे। किसी सहयोगी की गलती से काम में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान हल्की सी भी बहस को आप अपने स्वाभिमान से जोड़कर देख सकते हैं। अल्पकालिक निवेश आपको अत्यधिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस समय आपके कोई रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करने में आपके जो किस्मत है वो आपका साथ दे सकती है। उचित होगा कि इस समय खर्च व वाणी पर लगाम रखें, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। नकारात्मक जो विचार है उनसे भी आप दूर रहे। शुभ रंग आपके लिए लाल है, सफेद है। शुभ अंक जो है आपके लिए 1 और 6 है। उपाय क्या करना है मित्रों, शिव भगवान गणेश की पूजा करें। अगली राशि कर्क राशि, इसका साप्ताहिक राशि फल। इस दौरान इस सप्ताह आप किन्हीं 2 ऐसे मुद्दे को लेकर परेशान रह सकते हैं कि आप किस ओर जाएं। हल्का सा मतभेद भी इस समय आपको दिक्कत में डाल सकता है। किसी के द्वारा की गई कोई प्रशंसा आपके मन को सुकून देगी, वहीं फिजूल खर्ची हिसाब किताब आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। उचित रहेगा कि इस समय अल्पकालिक निवेश से बचे। किसी की सेहत की परेशानी आपको चिंता में डाल सकती है। जीवन साथी की ओर से जहां आपको शिकायतों में इजाफा सुनने को मिलेगा, वही इस समय आपके प्रेम में भी बढ़ोतरी होगी। शुभ रंग लाल पीला। शुभ अंक 1 और 2। उपाय भगवान महादेव की पूजा करें, सब मंगल होगा। अगली राशि मित्रों सिंह राशि, इसका साप्ताहिक राशिफल। आपके सुख में इजाफा होगा, वही नौकरी में भी इस समय आपको बॉस सहित अन्य सहयोगियों से भी सराहना मिलेगी। भाग्य इस दौरान मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। सप्ताह के अंत में कोई पुरानी उलझने गायब होने से आपके साख में मजबूती आएगी। कुछ नए तरीकों से कमाई का रास्ता निकल सकता है। इस समय बोलते समय शब्दों का चयन सतर्कता से करें, नहीं तो मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी के साथ आनंद में समय व्यतीत करेंगे।
वही जीवन साथी की नादानी से असमंजस्य की स्थिति पैदा हो सकती है। सप्ताह के मध्य में जहां प्रतिद्वंदी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो वही सप्ताह के अंत में आप पर उनका विश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही जीवन साथी से रिश्ते में और मजबूती आएगी। शुभ रंग केसरिया, पीला। शुभ अंक 2 और 9। उपाय, सूर्य देव को जल दे, वह हर रविवार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करें, लाभ होगा। अगली राशि मित्रों कन्या राशि है। इसका साप्ताहिक राशिफल, इस समय कोशिशें आपको नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। व्यवसायों के हाथ कोई लाभदायक सौदा लग सकता है। भौतिक समृद्धि के बावजूद सुख की प्राप्ति मन के किसी भी एहसास से नहीं होगी। शत्रुओं को तमाम कोशिश के बावजूद हार का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह के शुरुआत में जहां भौतिक सुखों के बीच मन का आनंद मानसिक शांति देगा, वहीं बौद्धिक क्षमता और अनुभव से आप सफलता व सराहना प्राप्त करेंगे। इस दौरान नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। सप्ताह के मध्य से आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। उचित होगा कि बाहर के खान पान से दूर रहे। शुभ अंक आपके लिए 1 और 4। शुभ रंग लाल सफेद। उपाय, बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाए और अर्धवशीर्ष का पाठ अवश्य करें। अगली राशि मित्रों तुला राशि। इसका साप्ताहिक राशि फल है, किसी मित्र की मदद से इस सप्ताह लाभ होने के योग है। खुशियों में बढ़ोतरी के बीच कोई पुराना विवाद सामने आएगा, कुछ समय में खत्म भी हो जाएगा। कैरियर और कारोबार में बढ़ने के कई अवसर आपको हाथ आएंगे। इस समय कार्य क्षेत्र में सफलता की कुंजी आपके लिए सफलता जो आपको मिलेगी उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपके कार्यों को सराहना मिलने से आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। इस दौरान गूढ़ विद्याओं के प्रति रुझान बढ़ेगा, जबकि इस समय आप पीठ दर्द के अलावा माता पिता की सेहत को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। उचित होगा कि सट्टे जुए जैसे विभिन्न चीजों से आप दूर ही रहे, नहीं तो फालतू की उलझनों के बीच मानसिक तनाव हो सकता है। वहीं अच्छे कार्यों की यथोचित प्रशंसा नहीं मिलने से मन में कुंठा पनप सकती है। उचित होगा प्रतिद्वंदी की परवाह किए बगैर अपने काम में आप मन लगा के रखें। शुभ रंग सफेद भूरा। शुभ अंक 2 और 4। उपाय, आपको माँ दुर्गा का सप्तशती का पाठ करना है। अगली राशि मित्रों वृश्चिक राशि। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ ही सत्ता अधिकार में आपके अधिकार में विस्तार होने की उम्मीद है, जबकि परेशानियों का हिम्मत से सामना करने में सक्षम रहेंगे। यह समय कारोबारियों के लिए लाभ का रहेगा। इस दौरान भौतिक सुख के बीच मानसिक कष्ट परेशानी आपको दे सकता है, लेकिन अपनी योग्यता से आप अपनी बाजी पलट सकते हैं। वचन भंग करने से मन आहत होने के साथ ही असुरक्षा की भावना आएगी। सप्ताह के मध्य से काम बनने शुरू हो जाएंगे, साथ ही कई समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। नौकरी में बॉस द्वारा आपकी सराहना किए जाने की संभावना के बीच कई लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। इस हफ्ते आध्यात्मिक मान्यताओं की ओर आकर्षण बढ़ेगा। शुभ रंग लाल पीला। शुभ अंक 2 और 6। उपाय, भगवान श्री राम जी का राम रक्षा स्त्रोत अवश्य पढ़े। अगली राशि मित्रों धनु राशि। धनु राशि का साप्ताहिक फल, आपकी दूरदर्शिता इस सप्ताह कई ऐसे कार्य को हल कर देगी जिसका अब तक किसी का निराकरण नहीं मिला था आपको। वहीं इस समय आपको कुछ परेशानियां भी घेरने की कोशिश करती दिख रही है। उचित होगा कि इस अवधि में किसी भी कहासुनी से बचे, नहीं तो दूरगामी नुकसान हो सकते हैं। इस समय आपको जीवन साथी से खास सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य से सकारात्मकता में इजाफा होगा। कोई पुराना निवेश अच्छा लाभ दे सकता है। संतान के भविष्य की चिंता रह सकती है। कुछ दैहिक कष्टों के बीच मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में करियर को लेकर नई उम्मीदें जाग सकती है। शुभ रंग पीला हरा। शुभ अंक 9। उपाय, भगवान श्री राम का राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। अगली राशि मित्रों मकर राशि। साप्ताहिक राशिफल इसका, मन के अंदर चल रहे द्वंद से सप्ताह की शुरुआत होगी, जिसके चलते करियर को लेकर भी असंतोष पैदा हो जाएगा।
घर का ज्यादा काम थकान उत्पन्न करेगा। करियर में परिवर्तन की इस समय शुरुआत हो सकती है। विरोधी तमाम कोशिशों के बावजूद आपके सामने हार मानने को विवश हो जाएंगे। बिना कारण तनाव की स्थिति का निर्माण होगा। इस समय तंत्र मंत्र में रुचि के बीच पैरों को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। सेहत बेहतर होने के साथ ही किसी सरकारी अधिकारी से संबंध प्रभावित होगा। माता पिता का कोई पुराना निवेश आपको लाभ दे सकता है। ध्यान रहे, इस समय अल्पकालिक निवेश परेशानी में वृद्धि कर सकते हैं। शुभ रंग भूरा ग्रे, शुभ अंक 4 और 6। उपाय, शनिवार को शनि भगवान की आराधना करें और अन्य दिन भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाए। शेष मंगली मंगल अगली राशि कुंभ राशि। साप्ताहिक राशिफल आपके लिए नई कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह नई आशाएं लेकर आता दिख रहा है, जिसके चलते इस दौरान आपके संपर्क में विस्तार होगा। वहीं इस समय आपकी प्रतिष्ठा में इजाफे के साथ ही आपके कार्य को जहां गैर सराहेंगे वहीं अपने आप को उलहाना दे सकते हैं। सप्ताह के मध्य से कारोबार में साख बढ़ने के साथ ही बंद बाजार में भी नए अवसर सामने आएंगे। उचित होगा इस दौरान बोलते समय सही शब्दों का चयन आप करें। बोलते समय आपको काफी सोच विचार के शब्दों का चयन करना है। इस दौरान काम का बोझ बढ़ने के अलावा कुछ खोने का भी दुख हो सकता है। सहकर्मी और कर्मचारी तनाव का कारण बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति उत्तम रहने के साथ ही जीवन साथी का भावुक स्नेह आध्यात्मिक खुशी प्रदान करेगा। सेहत को लेकर बेचैनी के बीच लोकप्रियता में क्षति की ओर ग्रह इशारा करते दिख रहे हैं। इस अवधि में जीवन साथी के साथ बहस से बचने की कोशिश करें। साथ ही संतान या माता पिता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है आपको। शुभ रंग हरा भूरा, शुभ अंक 4, 5। उपाय, भगवान शिव की हर रोज पूजा करें। तो मित्रों, इस सप्ताह की राशिफल में जो अंतिम राशि है वो मीन है। यह सप्ताह कठिन मेहनत के बीच अच्छे परिणाम लाता दिख रहा है। आपकी कोशिशें रंग लाने के साथ ही आपको अवश्य लाभ देगी और खुशी देगी। आपकी प्रतिभा कार्य क्षेत्र में रंग लाएगी। बॉस से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। माता पिता के पूर्ण सहयोग के बीच जीवन साथी से रिश्ता अबूझ पहेली की तरह दिखेगा। इस समय आप हड्डियों मांसपेशियों और नसों में दर्द से परेशान रह सकते हैं। उचित होगा निवेश से बचे, नहीं तो हानि का अंदेशा है। किसी पुराने दोस्त से तनाव में इजाफा हो सकता है। उचित होगा कि इन उलझनों से बचते हुए बातचीत के माध्यम से समाधान निकालें। इस अवधि में अपने मूड पर काबू रखते हुए अपनी सेहत में सुधार लाएं। मेहनत से लाभ होगा आपको अवश्य। शुभ रंग केसरिया पीला। उपाय, सूर्य देव को जल देने के साथ ही श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करें मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखें। मिलता हूं मित्रों अपने अगले एपिसोड में आपसे नए विषय को लेके। चलने से पहले फिर एक बार निवेदन करता हुआ चलूंगा मित्रों, मेरे चैनल एस्ट्रो पंडा जी को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं। जय सीताराम हनुमान।